माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा राज और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज परिवार के सुख और परिवार में सुख इस विषय पर बातचीत करेंगे। परिवार एक ऐसा शब्द है जिसे लेते ही मन में सुरक्षा का एहसास होने लगता है, एक अजीब सी सुखद अनुभूति होने लगती है, परंतु हर परिवार में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें सुख नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है। परिवार में सुख और आनंद क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। परिवार के बिना कोई दुख झेला नहीं जा सकता। हमारा देश खास तौर से संयुक्त परिवार के लिए जाना जाता रहा है, परंतु अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। वो परिवार जो दुख समाप्त करने के लिए जाना जाता था, आज दुख देने भी लगा है। कल तक जिस परिवार में दूर के रिश्तेदार भी गिने जाते थे, आज अनेक लोग अपने माता पिता को भी अपने परिवार में नहीं गिन रहे हैं। कल जो भाई पिता के ना रहने पर पाल पोस कर बड़ा कर देते थे, वही आज संपत्ति कब्जाने के लिए षड्यंत्र करने लगते हैं। जो बच्चे के सरीखे भाई बहन एक भाई या बहन की छत्र छाया में पल के बड़े हो जाते थे और उसी को माता पिता मान लेते थे, वही बच्चे बड़े भाई बहनों से सब कुछ पाकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं संपत्ति के लिए। विवाह के बाद रोजाना घरों में झगड़े होते हैं। क्यों होता है ये सब? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे, इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हम शास्त्रों से करते हैं। हम अध्याय 3 के 21वें श्लोक को समझते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ये बता रहे हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य मनुष्य भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। शास्त्र की यह बात, गीता की यह बात, श्री कृष्ण की यह बात हमारी निज जिंदगी पर भी खरी उतरती है। माता पिता के लिए भी यह एक छुपा हुआ बड़ा संदेश है। जो माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, उनके बच्चे भी उसी रास्ते पर चलकर वैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग में केवल खाना पहनाना ही नहीं आता, पेरेंटिंग में बच्चे का सर्वांगीण विकास करना आता है। लेकिन ये सिखाने से नहीं होता, ये दिखाने से होता है। तो माता पिता श्रेष्ठ जन की तरह यदि अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उनके बच्चे भी उनसे सीखकर स्वतः अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। भारत में नेताओं की भाषा बहुत धारदार हो गई है, उनकी जबान बहुत कैंची की मानंद चल जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो जबान पर कांटे बो रखे हों। वो ये याद रखें कि वह नायक हैं इस समाज के, वह जैसा करेंगे समाज भी वैसा ही करना शुरू कर देगा। इसलिए उन्हें अपनी मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक है, ये श्री कृष्ण की वाणी है। अब हम बात करते हैं घर की। परिवार की, परिवार में कलह क्यों क्यों होती है उसके कारण जानते हैं। जिस घर का वास्तु खराब होगा उसकी वजह से परिवार में कलह होगी ही होगी। हम लोग वास्तु में केवल जमीन को देख लेते हैं, कुछ दिशाओं को देख लेते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे आज कह रहा हूं, घर के सदस्यों की कुंडली के हिसाब से भी वास्तु जरूर देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि घर का सूर्य कमजोर है तो पति पत्नी और बच्चे हमेशा लड़ेंगे, रिश्तेदार भी वहां प्रसन्न नहीं रहेंगे, आएंगे भी कम जाएंगे भी जल्दी, और साथ साथ वह निंदा भी करेंगे। ऐसे में हमने खुशी खुशी उत्तरमुखी मकान ले लिया, इसके बाद वहां समस्याएं और बढ़ जाएंगी क्योंकि सूर्य प्रचंड नहीं हो रहा, ताकत में नहीं आ रहा। ऐसे घरों में नियमित सूर्य पूजा के बिना कभी शांति नहीं आ सकती। आप देखिएगा, यह बात ठीक है कि हम कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन हमारी कोशिश को बल मिले, हमारा आत्मबल बढ़े, हम कोई कर्म कर सकें, इसके लिए कुछ पूजा या जप
या यज्ञ आवश्यक है। और ये भी बता दो कि सूर्य पूजा ऐसे घरों में अनेक वर्षों तक करनी होगी, क्योंकि यह दोष आगे बढ़ता है। बच्चों, बहुओं, दामादों के साथ भी यह दोष आगे बढ़ता जाता है और सभी के संबंध आपस में खराब होते चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए सूर्य पूजा करें। अब सूर्य पूजा में करना क्या है, सूर्य को जल दें और जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन गायत्री का यज्ञ कर लें या उस दिन ओम घड़ी सूर्याय नमः स्वाहा इससे यज्ञ कर लें। कुछ भी हो सूर्य की पूजा होते रहनी चाहिए। और कुछ नहीं तो रविवार को आप केवल फीका भोजन के लिए घर के सारे लोग और बुजुर्ग और गरीब बेसहारा लोगों की दवा से या भोजन से मदद कीजिए उस दिन। इससे भी आपके घर का सूर्य बुलंद होगा और आपके घरों की समस्याएं कम होंगी। एक व्यथा लेता हूं। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूं। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 2007। समय है 3:49 शाम के। उसकी राइट हैंड की सारी फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बहुत सारे लोगों के काम की व्यथा है, वो भी सब इसे सुने और ये चित्र भी देखिए आप लोग। घर को जोड़ने में सबसे मजबूत ग्रह होता है घर के मुखियाओं का बृहस्पति। अब भारत का समाज एक ऐसा समाज है जिसमें केवल पुरुष को ही मुखिया कहा जाता है। मेरे विचार से घर तो स्त्री चलाती है, तो उन्हें भी मुखिया कहा जाना गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने शब्द मुखियाओं का प्रयोग किया। अगर दोनों लोगों का, जो भी घर के बुजुर्ग हैं, उनका अगर बृहस्पति अच्छा है तो घर अच्छे से चलेगा। अगर दोनों में से एक का भी बृहस्पति कमजोर पड़ गया तो गड़बड़ होगी। एक का भी बृहस्पति अच्छा हो गया तो घर को जोड़ के रखेगा, लेकिन एक का भी बृहस्पति खराब हुआ तो घर में समस्याएं उत्पन्न होंगी। और दोनों का यदि खराब हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा घर कभी नहीं पनपता जहां घर के मुखियाओं का बृहस्पति कमजोर है। लोग अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे होने का यह मतलब नहीं है कि वह एक साथ रहेंगे या बिना लड़े रहेंगे। कुछ ना कुछ परेशानियां उस घर के अंदर ऐसी होंगी जो घर यूनाइटेड होकर नहीं रह पाएगा। बहुत थोड़े लोग बात करते हैं कि घर कैसे जुड़ा रहे, ज्यादातर लोग बात भी नहीं करते हैं। लेकिन आज के दौर में बात करनी चाहिए और उपाय जानने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये तो बात करते हैं कि कैसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, लेकिन घर जुड़कर चले अभी इसकी कीमत शायद हमारा समाज नहीं समझ पा रहा है। पूरी दुनिया का समाज थक चुका है अकेले रहते रहते, और अब वो एक साथ रहने लगे हैं। कम्युनिटी लिविंग से अब फैमिली लिविंग तक वो आ चुके हैं। हम टूट रहे हैं और बिखर रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। घर बिखरता है तो व्यक्ति भी बिखर जाता है, राष्ट्र भी बिखर जाता है। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो ये पुकार लगाते हैं कि मुझे मेरे घर के लोगों से बचाओ। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते कुछ ऐसा प्रयोग कर दें कि सब लोग मेरे काबू में रहे, मेरी बात माने। कुछ लोग मैंने दुर्भाग्य से अपने जीवन में ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं कुछ ऐसा तंत्र या टोटका बताइए कि मेरे हिस्से में पैतृक संपत्ति आ जाए, बाकी के हिस्से में ना आए। एक चीज मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो घर तोड़ते हैं या किसी और की संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को पितृदोष लगता है, उन सहित उनकी 3 पीढ़ियां भुगतती हैं, ये मत भूलना। और 99.99% नहीं कह रहा, 100% हो सकता है कैश आ जाए, द्रव्य आ जाए, लिक्विड आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, लेकिन जिंदगी भर का सुख चैन आपके भी और आपकी 3 पीढ़ियों का भी
वह चला जाएगा, परिवार बसेंगे नहीं, वंश चलेगा नहीं। जिस पुरुष को स्त्री ऋण दोष होता है वो उसका परिवार स्त्री के कारण बिखरते हैं, याद रखना ये बात। इसलिए ऐसे पुरुषों को क्या करना चाहिए, संतुलन बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो ऐसे पुरुषों की जिंदगी का आधा हिस्सा घर में पिसते हुए निकल जाता है, सारा टैलेंट धरा रह जाता है घर की स्त्रियों के कारण। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर की स्त्रियों से झगड़ा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ स्त्रियों को ऐसी समस्या रहेगी। और स्त्री में केवल पत्नी नहीं होती, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, लेकिन घर की स्त्रियों के कारण यह अपने टैलेंट का सही उपयोग कर ही नहीं पाते, पूरा जीवन बेकार हो जाता है स्त्री ऋण दोष यदि है तो। एक और कारण आपको बताता हूं, जिस स्त्री या जिस पुरुष को शनि या राहु का दोष होता है वह व्यक्ति हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है या दूसरों की तुलना स्वयं से करता रहता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर परेशान रहता है, असुरक्षित रहता है और फिर सबको परेशान करता है, और ऐसे व्यक्ति की वजह से घर के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे लोग सही सलाह को नहीं समझते और हर व्यक्ति जो उनके मन की बात कह देता है वही उन्हें सही लगता है, इसलिए ऐसे लोगों को बाहर के लोग बरगला देते हैं और घर को तोड़वा देते हैं। यह वो दोष है कि घर की संपत्ति कहाँ चली गई, पैसा कहाँ चला गया पता भी नहीं चल रहा, लेकिन घर के लोग खासतौर से बच्चे वह सफर कर रहे हैं बुरी तरह। यह योग मैं बहुत खतरनाक योगों की श्रेणी में रखता हूं, यह ऐसा श्राप जिंदगी में भर देता है। ऐसे लोगों को जिनको शनि या राहु का दोष लगता है असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं और बुढ़ापा बहुत खराब बीतता है, बुढ़ापे तक आते आते लगभग बीमार भी और अकेले भी होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सुख से रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो मैं आपको उपाय बताऊंगा ज़रूर। और एक माँ का जो प्रश्न आया था 7:30 बजे उसका उत्तर दूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि उंगली देखकर बहुत सारे माता पिता ये जान सकते हैं कि बच्चे के चेस्ट की और बैक की ग्रोथ कैसी हो रही है, उसके अंदर कफ की क्या स्थिति है, उसके अंदर विटामिन डी की क्या स्थिति है। लेकिन अभी मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलिएगा। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपके घर में कहीं कोई परेशानी हो सकती है, कोई आपको बहका सकता है, बरगला सकता है, आपके प्रेम संबंधों में भी आपको कष्ट हो सकता है, कोई बात नहीं, सावधानी रखिएगा, बहुत सोच समझकर बोलिएगा और कोई बड़ा निर्णय स्वयं मत लीजिएगा। उपाय के तौर पर इस दिन आपने शक्कर और दही यह किसी भी गरीब कन्या को दे देना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, घूमने फिरने को मिल सकता है, यद्यपि तनाव महसूस करेंगे लेकिन फिर भी दिन आपका बेहतर गुजरेगा। सावधानी, इस दिन अपने परिवार को जरा संभल कर रखिएगा और किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपके परिवार में परेशानी ना हो इसका ध्यान रखिएगा। एक उपाय अवश्य करें इस दिन आप अर्गला स्त्रोत का पाठ अवश्य कर लें, और अगर समय नहीं है तो दुम दुर्गाय नमः का जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, यह दिन लाभ का है, यह दिन किसी से प्रगाढ़ संबंध बनने का है, रूठा हुआ कोई व्यक्ति मन भी सकता है, यह दिन अच्छा है आपके लिए, लेकिन कुछ सावधानियां। इस दिन आपको अपना चरित्र बल मजबूत रखना होगा और साथ ही साथ यदि आप बिना पढ़े लिखे कहीं भी दस्तखत करते हैं तो ये दिन नुकसान दे सकता है, या किसी से कोई झूठा वायदा कर देते हैं तो भी ये दिन नुकसान दे सकता है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान किसी को अवश्य कीजिएगा। कर्क राशि, आगे बढ़ने के लिए ये दिन बहुत मुफीद है,
इस दिन प्रमोशन की बात कीजिए, इस दिन रुके हुए धन को प्राप्त करने की बात कीजिए, अपनी फाइल वगैरह को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पढ़ाई लिखाई में, तो इस दिन समझने की कोशिश कीजिए, लाभ होगा। सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, माता पिता का भी विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप अभिषेक कीजिए और उसके बाद काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। अब विषय पर बात करते हैं, घर में शांति की बात करते हैं। सूर्य, शनि, मंगल और राहु घर में कभी शांति नहीं रहने देते, हमेशा समस्याएं रहती हैं। ऐसी जगह कुछ विशेष उपाय होंगे। क्या उपाय होंगे, पितृदोष की शांति करें। पितृदोष घर में कभी भी शांति नहीं रहने देगा, चाहे कितना धन वैभव आ जाए, कितने ही लोग वहां सेलिब्रिटी हो, प्रतिष्ठित हो, लेकिन घर में शांति नहीं होगी। जो सबसे बड़ा वरदान ईश्वर का, वही नहीं होगा। दूसरी चीज, अपने इष्ट की नियमित पूजा घर के अंदर करनी चाहिए। तीसरी चीज, बिजली के उपकरण या लोहा या काले और नीले कपड़े कभी भी किसी से मुफ्त में मत लीजिएगा, उसके एवज में कुछ धन हमेशा दीजिएगा। बहुत से लोगों को मुफ्त का माल लेने की बहुत बुरी बीमारी होती है, ये एक मानसिक बीमारी है, लेकिन आप नहीं जानते इससे राहु और शनि किस हद तक खराब परिणाम देते हैं। और ये स्वयं टेस्ट करके देख लीजिएगा, जो लोग मुफ्त की चीज़ें लेते हैं या बिना काम किए धन पकड़ते हैं, या जिस कार्य का धन सरकार आदि उनको ऑलरेडी दे रही है उस कार्य के लिए वह नंबर दो का धन लेते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में शनि और राहु नरक जीते जी नरक उत्पन्न करते हैं। घर में शांति नहीं रह सकती, बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। तंबाकू या किसी भी नशे का सेवन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, और थोड़ी सी तंबाकू लेकर शनिवार को नाली में जरूर बहा दिया करें। घर में कलश रखने से घर में शांति आती है। कलश की स्थापना कैसे होती है मैं बता चुका हूँ, आपने सुना होगा, नोट किया होगा। आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं जो भी महत्वपूर्ण बातें बताऊँ उसको नोट जरूर कर लिया कीजिए, वो आज नहीं तो कल किसी काम आ सकती हैं। अगला उपाय, झगड़ने या गुस्सा करने वाले लोग गले में चांदी जरूर पहने किसी भी रूप में। यद्यपि ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि मुझे गुस्सा आता है और मैं झगड़ता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ मैं भी झगड़ता हूँ, चलो चांदी की चेन पहनता हूँ, क्योंकि घर में शांति होगी, आपकी तरक्की उससे 100 गुना बढ़ जाएगी। जो झगड़ता है उसके सिरहाने में शक्कर रख दिया कीजिए। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, सूर्य की स्थिति मजबूत है, रुके हुए कार्य को आप बहुत मेहनत के बाद दुरुस्त कर सकते हैं, इसलिए इस दिन मेहनत बहुत कीजिएगा। एक सावधानी जरूर आपको बरतनी है, और वह सावधानी है, इस दिन जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनसे बहुत शांति से बात कीजिएगा, नहीं तो आप गलत समझे जाएंगे और नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ बाधाओं के बाद, कुछ निंदा सहने के बाद आपके कार्य जरूर बनेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपको उम्मीद थी वह शायद आपका किसी कारणवश साथ ना दे पाए। सावधानी एक बरतिएगा, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ अपने गृहस्थ जीवन में या प्रेम संबंधों में बहुत सोच समझ कर बोलना। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दही का दान किसी गरीब कन्या को अवश्य दीजिएगा। तुला राशि, यह वक्त आपके लिए कुछ कठिन है, इसलिए कोई बड़ा कार्य अकेले मत कीजिएगा, कोई मंगल कार्य अकेले मत कीजिएगा। स्वास्थ्य में जो परेशानी रहती हो उसके परहेज बहुत अच्छे से कीजिएगा। सावधानी एक जरूर बरतें, इस दिन जो बोले वह सोच समझ के बोले, किसी की निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी मित्र को शत्रु नहीं बनाइएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम दं गणपताय नमः का जप जरूर करें थोड़ी देर, फिर शांत भाव से उनका ध्यान करके अपने काम पर जुटिए। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए
अनुकूल है। इस समय में किए गए कार्यों का आगे जाकर आपको अच्छा लाभ मिलेगा, बस कुछ सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से और वाहन की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, पशु से भी थोड़ा बच के रहना होगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप मसूर की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा किसी को भी, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं बताता हूँ हाथ की वो बात जो एक प्रश्न एक व्यथा से उभरी। इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि हर व्यथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है जो गंभीर समस्याएं हैं उन्हें बहुत डिटेल से मैं डिस्कस करूं, जिससे बाकी लोगों को भी लाभ हो। हमेशा याद रखिए, यदि किसी भी बच्चे की उंगलियां छोटी हैं उसकी हथेली के मुकाबले और पतली हैं और वह आपस में जुड़ जाती है, इस तरीके से जब वो बच्चा हाथ करता है या ऐसे हाथ करता है तो वह उंगलियां जुड़ जाती हैं, तो अगर वो बिल्कुल जुड़ जाती हैं और रोशनी की तरफ ऐसे देखने में एकदम चिपकी नजर आती हैं और वह उंगलियां पतली हैं, देखिए उंगलियां पतली नहीं है, यदि उंगलियां कमजोर नहीं है तो जुड़ जाना अच्छी निशानी है, यह धन के रुकने का संकेत है। लेकिन यदि उंगलियां कमजोर हैं, पतली हैं, उंगलियों पर यहां पसीना आता है और यह फिर आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को कफ की दिक्कत रहेगी और उसके लंग्स की भी प्रॉब्लम रहेगी और उसके रिब्स की भी प्रॉब्लम रहेगी, यानी उसका चेस्ट ढंग से डेवलप नहीं होगा। यदि दाहिने हाथ में ये स्थिति है तो दाहिने चेस्ट में दिक्कत रहेगी, यदि बाएं हाथ में ये स्थिति है तो बाएं चेस्ट में ये दिक्कत रहेगी। यदि उसकी उंगलियां छोटी हैं, पतली हैं, उस पर पसीना आता है, वो चिपक गई हैं और देखने में भी वो कमज़ोर सी लगती हैं, तो ऐसे बच्चों का विटामिन डी और कैल्शियम और B12 ज़रूर टेस्ट करा लीजिएगा। हमेशा याद रखो पेरेंट्स कि जब भी बचपन में यदि कोई परेशानी आप पकड़ लेते हैं और उचित चिकित्सीय सलाह लेकर उसके परहेज या दवा आदि अच्छे से आप करते हैं तो सामान्यतः वो रोग ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी इस चीज़ के दवाइयां हैं, बाकी पैथीज में भी होंगी, तो आप मिल लीजिएगा, आपका कार्य अवश्य बनेगा। अब मैं उन दीदी की बात करता हूं जिन्होंने उस बच्ची का फोटो भेजा था, ये ठीक हो जाएगी। एक ऑपरेशन ड्यू है, यह ऑपरेशन अक्टूबर 2018 के बाद कराइएगा और अप्रैल 2019 के बीच में कराइएगा। दूसरी चीज़ यह है, इस बिटिया के चेस्ट की मालिश ज़रूर करें और इनको ब्राह्मी रसायन का सेवन ज़रूर करा दिया करें। वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, ये दिमाग से बहुत अच्छी है और तेज़ है, तो धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इस बच्चे की, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, ये अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लेंगी। यदि मान लीजिए शुद्ध चमेली का तेल नहीं मिलता है तो हम सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है ना। नहीं तो वेजी से कोई भी ऐसा तेल ले लीजिएगा जिससे बोन्स की अच्छी ग्रोथ होती हो, और विटामिन डी B12 ये ज़रूर चेक करा लीजिएगा और कैल्शियम, ठीक है। आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। रविवार के दिन ये उपाय ज़रूर सुन लीजिएगा, रविवार के दिन रुद्राभिषेक करने से बहुत लाभ मिलता है। अपने जन्मदिन के दिन रुद्राभिषेक करने से बहुत लाभ मिलता है, तो रविवार के दिन तो आप छोटा सा ही रुद्राभिषेक कर लें, घर में शिवलिंग होगा, बैठे बिटिया और ओम रुद्राय नमः इसका इससे अभिषेक करें, बस शिवलिंग पारद का होगा, जल होगा, जल में शहद होगा, इतना उपाय ये करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है 1.5 से 2 वर्ष के अंदर बिटिया एकदम फिट एंड फाइन होगी और जिंदगी में अच्छा करेगी। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, जम के मेहनत कीजिए, अच्छे परिणाम भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, मिल सकता है या धन किसी अन्य तरीके से कमाया जा सकता है। सावधानी लेकिन एक अवश्य रखिएगा, इस दिन कोई व्यक्ति आपसे रूठ सकता है और वह आपका नुकसान कर सकता है, ध्यान रखें, सतर्क रहें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? सूर्य को जल दीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन आपके लिए
अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, यद्यपि संघर्ष और चिंताएं बनी रहेंगी। सावधानी, इस दिन आपके चिड़चिड़ेपन से या गुस्से से आपका नुकसान हो सकता है। वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, एकाग्रता भंग होने से पढ़ाई और वाहन चलाने में दुर्घटना दोनों हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, आप चावल का दान किसी को अवश्य कर दीजिएगा। कुंभ राशि, यह समय अच्छा है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी इस दिन ले सकते हैं, बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माता पिता या उस प्रकार के संबंधों वाले लोगों से बिना पूछे कोई बड़ा निवेश ना कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान किसी को जरूर करिएगा। मीन राशि, यह दिन आपके आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा करने वाला है, बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे, बस कुछ सावधानी रखिएगा। इस दिन धैर्य नहीं खोना है और साथ साथ बहुत कीमती सामान अपने साथ नहीं रखना है। उपाय कर लें इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, हल्दी का दान अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ दुम दुर्गाय नमः का जप जरूर कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत से आप आगे बढ़िएगा। आपको घूमने फिरने को मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, स्थानांतरण कहीं हो सकता है, नई जगह कहीं घर आदि बनने की बात भी बन सकती है, संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं रिश्ते जुड़ने की या परिवार बढ़ने की। लेकिन कुछ सावधानियां रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर और माता मौसी और मामा जी को लेकर समय थोड़ा सा कठिन है, घर के बुजुर्गों की ओर से भी चिंताएं रहेंगी। उपाय कीजिएगा, रोज़ाना आपको अपने घर के बुजुर्गों को प्रणाम करना है, दूध या दूध से बनी चीज़ उनको देनी है और रोज़ाना एक मुट्ठी चावल निकालकर आप ज़रूर रख दीजिएगा, जिसे शुक्रवार को पूरे हफ्ते रखेंगे, शुक्रवार को गरीब कन्या को दे दीजिएगा। लाभ होगा, आपके जो अच्छे महीने हैं वह है अप्रैल है, उसके बाद जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, नवंबर है और फरवरी 2019 है। आगे बढ़िए, सब ठीक होगा, ऑल द बेस्ट। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। कबीर दास जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी का ये कहना है, हर कार्य अपनी एक निश्चित गति से चलता है, इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, धीरे धीरे एक निश्चित गति से अपना कार्य करते रहना चाहिए। माली किसी एक पौधे को चाहे 100 बार सींच ले, लेकिन उस पर फल तभी आएंगे जब उस पौधे की ऋतु आती है, इसीलिए धैर्य नहीं खोइए, एफर्ट्स लगातार करते रहिए। मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें भी परिवार में यश पाना हो और झगड़े झंझट खत्म करने हो, वह घर में तुलसी या सूरजमुखी के पौधे अवश्य रखें। ऐसे घरों में जहाँ बहुत झगड़े झंझट रहते हैं, कांच के गिलास में न पानी पिए न पानी दें। गाय और पक्षियों को मीठी रोटी जरूर दे दिया कीजिए, मीठी रोटी बनाइए, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया और पक्षियों को डाल दी, एक गौ माता को दे दी। और ऐसे घरों में जहाँ बहुत झगड़े रहें, रविवार को नमक का प्रयोग नहीं कीजिएगा। एक और चीज़ है, अक्सर गर्मियों के समय में वजन के 10वें हिस्से के बराबर तरबूज का दान कर दिया कीजिएगा। रविवार के दिन घर के झगड़े झंझट कम होंगे, खत्म भी हो सकते हैं और साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर में जो लोग नाराज रहते हों, उनसे संबंध तोड़ने नहीं, उनसे बातचीत या संवाद खत्म मत कीजिए, बस उन्हें सौंफ और मिश्री पूजा के प्रसाद के रूप में ज़रूर दे दिया कीजिए, या लौंग या मिश्री पूजा के प्रसाद के रूप में ज़रूर दे दिया कीजिए। मैया की कृपा से वह लोग धीरे धीरे प्रेम करने लगेंगे।
बहुत झगड़े झंझट यदि आपके घर में रहते हैं तो एक चीज हमेशा कीजिएगा, रात को चूल्हे की आग या गैस, पुराने जमाने में चूल्हा होता था तो उपाय में चूल्हा ही लिखा है, लेकिन अब तो गैस है सब जगह, तो गैस की आग दूध से बुझाइए। कैसे? आपने एक कटोरी में ज़रा सा 3-4 चम्मच दूध ले लिया, फिर उसमें जल डाला और बहुत तेज़ी से उसको आप जब बर्नर पर मारेंगे और उसके बाद नॉब को तुरंत बंद कर दिया कीजिएगा, तो इससे आपके घर के बहुत सारे झगड़े धीरे धीरे ख़त्म होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, झूठे बर्तन सिंक में छोड़ना नहीं है उन घरों को जहां पर झगड़े झंझट होते हैं और लोगों को प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। धोकर अपने स्थान पर रख कर ही सोया करें, कभी कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यता ये नियम बनाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, मम्मी पापाओं से, कि वह अपने बच्चों को दुनिया से काट रहे हैं किसी न किसी बहाने, ये मत कीजिए, क्योंकि आगे जाकर दुनिया उसे काट देती है किसी न किसी बहाने, परिवार उसे छोड़ देता है किसी न किसी बहाने। बच्चों को सिखाइए कि वह अपनी चीजें शेयर करें, अपना भोजन, अपने वस्त्र शेयर करें और इरिटेट ना हुआ करें यदि कोई उनसे कोई चीज ले। ये आप शुरू से सिखाएंगे तो धीरे धीरे यही व्यवहार वो आपके साथ भी करेगा, और उसे अलग रहना सिखाएंगे तो वही व्यवहार वो आपके साथ भी करेगा। घर के बड़े से बड़े झगड़ों को एक रोटी जिसमें सरसों का तेल लगा हुआ हो वो गौ माता को देकर सुलझाए जा सकते हैं, एक नियम बना लीजिए। जिन घरों में वातावरण बहुत कलेशयुक्त है वहां संध्या दीपक अवश्य प्रज्वलित हो, साल दर साल इसे करते रहिए, लाभ होगा ये तय है। यदि परिवार में रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो आप घर के किसी व्यक्ति से उधार ले लीजिए, 1-1, 2-2, 10-10 रुपए लेके, और फिर हवन कीजिए, और ये घर का बुजुर्ग करें या घर के दो बुजुर्ग हैं तो दोनों मिलकर करें, घर में शांति आने लगेगी। एक और चलते चलते उपाय बता रहा हूं, यदि घर के नाते रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं तो घर के सभी लोग चांदी का तार या चांदी का टुकड़ा ले लें और उसे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बहते हुए जल में या नदी में प्रवाहित कर दिया करें। एक व्यक्ति सबसे ले ले और वो प्रवाहित कर दे, यह भी हो सकता है। वर्ष में 1-2 महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं को या 1-2 महत्वपूर्ण अमावस्याओं को ऐसा अवश्य कर दीजिएगा, चीजें ठीक होंगी। बस मैं तो यही कहता हूं कि घर का सुख, घर में प्रेम, और घर यदि मजबूत और एकत्र एकता है तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ जाएंगे, क्योंकि जिस घर में एकता होती है उस घर का सूर्य चंद्र शनि राहु ये मजबूत होते हैं, बृहस्पति एक्सीलेंट होता है। अब आप समझ लीजिए, आपकी कुंडली में यदि ये ग्रह कमजोर होकर दुख दे भी रहे हैं लेकिन घर की वजह से ये ग्रह मजबूत होकर शक्ति देंगे, तो करिए प्रॉमिस, घर में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और किसी लालच से माता पिता से प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ प्यार करेंगे क्योंकि यह करना ही है, उनका आदर करेंगे क्योंकि करना ही है। चलता हूँ, खूब खुश रहिए, आपके घर परिवार में खूब सुख हो और सबसे महत्वपूर्ण बात शांति हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।